केरल के अनुभवी तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को आगामी रणजी ट्रॉफी के लिए टीम की 24 सदस्यीय प्रारंभिक टीम में शामिल किया गया है। 38 वर्षीय तेज गेंदबाज अगर अंतिम टीम में चुने जाते हैं तो लगभग 9 साल के अंतराल के बाद रेड बॉल क्रिकेट में उनकी वापसी होगी। एस श्रीसंत ने आखिरी बार 2013 में प्रथम श्रेणी मैच खेला था जब उन्होंने मुंबई के खिलाफ शेष भारत के लिए ईरानी कप में भाग लिया था। 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए निलंबन होने के बाद वो 7 वर्षों तक क्रिकेट एक्शन से दूर रहे। तेज गेंदबाज ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए पिछले सीजन में वापसी की, लेकिन इस साल केरल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर फास्ट बॉलर ने इन दोनों ट्रॉफी से खुद को बाहर रखा। 9 साल बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी करने जा रहे एस श्रीसंत ने अपने प्रशंसकों के लिए एक वीडियो संदेश साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा कि अपने प्यारे राज्य के लिए 9 साल बाद रणजी ट्रॉफी में लौट कर अच्छा लग रहा है। वास्तव में आप सभी का आभारी हूँ, ढेर सारा प्यार और सम्मान। केरल रणजी ट्रॉफी टीम। बाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन बेबी को इस सीजन में रणजी ट्रॉफी में केरल की अगुवाई करने का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज विष्णु विनोद को सचिन का डिप्टी बनाया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 और विजय हजारे ट्रॉफी वनडे प्रतियोगिता दोनों में केरल की कप्तानी करने वाले संजू सैमसन भी एक खिलाड़ी के रूप में हिस्सा लेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।